नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं है ना आपको महिंद्रा प्लांटिंग मास्टर पैडी 4 रो के बारे में टेक्निकल स्पेसिफिक में बताऊंगा, और साथ के साथ मैं ना जो अपने जमींदार भाई हैं ये पिछले कई साल से इस मशीन को ना यूज़ कर रहे हैं, तो इस मशीन का जैसे इन्होंने मशीन ली है जो अगर कोई जमींदार भाई लेना चाहे तो क्या इसका फ़ायदा है भी या नहीं है। भाई जैसे बहुत सारे बंदे हाथ से लेबर से लगवाते हैं और आने वाले टाइम में ना लेबर की कमी चल रही है, तो उस लेबर की कमी को दूर करने के लिए भाई जैसे मशीनें अब आएंगे मार्केट के अंदर, तो ये पिछले 2 साल से इस मशीन को चला रहे हैं, तो इसके बारे में इसका फीडबैक लेंगे भाई क्या इसमें मशीन से और हाथ से लगाने में पैदावार में कितना अंतर है, दूसरी बात लेबर में भाई लेबर का चार्ज और मशीन के खर्चे में दोनों के खर्चे में कितना डिफरेंस है, और इसके अंदर जो ट्रे वगैरह लगाने का तरीके हैं वो इन्होंने एक अच्छी सॉल्यूशन लिया है विदाउट ट्रे के, भाई ट्रे का जैसे अगर कुछ बंदों के हैं तो इस वीडियो में ना पूरी सारी बातें डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ना साथ के साथ में दिखाएंगे बाद बताएंगे भी, और मशीन की क्या खास बातें हैं ये चीज़ें सारी बताएंगे। ये महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट कंपनी की है, अपना महिंद्रा प्लांटिंग मास्टर पैडी 4 रो के साथ में, 4 रो 4 रो लगाने वाली, तो एक बार बात कर लेते हैं और फिर मशीन के क्या क्या फीचर हैं वो भी साथ के साथ में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अंदर कॉस्ट में जैसे पैसों में कितना फ़र्क पड़ जाता है, बचत आती है या खर्चा ज़्यादा होता है? तो इसमें बहुत आती है जी। देखो हम मेरा 1000 रुपया लवाई ते तेल का बिची मैं जो लेबर को देता हूँ 1000 रुपया एकड़ पड़ता है। अच्छा 1000 रुपये में एक एकड़ में ये लगा देती है? मेरा 1 किला लग जाता है। ठीक जे मैं उधर जाऊँ दुए पास तो 4000 रुपया 1 किले का लेबर लेती है। अच्छा लेबर लेते लगाने का, तो फिर जो मैं मेरे को मक्की है तो खेत थोड़े रेतले भी है उसमें जो लेबर लगाती है वो झोना जब लगाती है ना लेबर का बूझा वो उखड़ जाता है। अच्छा बहुत दूरी हो जाता है। लेबर 5 किलो 4 किलो बीज लगाती है पर केले में, इसके नाल बीज लगता है 7 किलो 8 किलो 1 एकड़ में, लगभग डबल हो गया। डबल हो गया तो उससे झाड़ 2-3 क्विंटल झाड़ भी बढ़ता है। कुल मिला के जैसे बंदे जो डरे हुए हैं जैसे जो लेने की सोच रहे हैं तो उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो जी ये तो आने वाले टाइम में सब बंदे को ही लेनी पड़ेगी, जो ले लिया उसको तो पता ही है भी लेके चला रहा है, कोई ये बंदा तो नहीं भी जिन्हें लिया उसकी साइड में खड़ी है। बिल्कुल देखो जे है मैं हूँ भी पनीरी बीज रहा हूँ, पनीरी बीजी भी हुई है, मैं 1 किला लेबर से नहीं लगाऊंगा, मैं जो भी लगाऊंगा तो मशीन से लगाऊंगा क्योंकि बचत इसी में है। बचत इसी में है तो बाकी लगाना बहुत सौखा है। तो झोना जैसे हम मक्की के टांडे होते हैं उसमें लेबर को भी हाथ नौ टूट जाते हैं। हाँ। इसका कोई वो नहीं है, लगाई बहुत बढ़िया करती है। अच्छा मतलब कुल मिला के जैसे मशीन है बड़ी अच्छी मशीन है, बहुत अच्छी है। टूट फूट आई, कोई मेंटेनेंस आई अभी इसके अंदर? देखो सर पिछले साल पहले साल कुछ नहीं होया, दूसरे साल इसकी सर्विस होया, माड़ा मोटा फिंगरा बदलियां, जो माड़ा मोटा सामान था वो बदल गई। देखो छोटी मोटी घिसाई के पास वो छोटे मोटे मशीन खेत में चलेगी उसकी घिसाई तो होगी, बिल्कुल होगी। कोई बट्टा आ गया तो माड़ा मोटा टूट गया तो वो जल्दी बदल जाते हैं, फिंगर है फिंगर बदल ले दिया। बाकी सर्विस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस महिंद्रा की जो भी है बहुत, महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट वाला, हाँ बहुत ज्यादा सर्विस छेती है। मेरे को ये मशीन मैं घूम के देखा तो मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था भी महिंद्रा की मशीन आई है, मेरे डीलर से बात हुई तो मैं ये मशीन उससे खरीद लिया, पर मेरे को तो जितना बेनिफिट हुआ ये मशीन से, जो मेरा झाड़ पहले 25-26-27 क्विंटल निकलता था पिछले साल 2 साल में 30-32 क्विंटल आ रहा है। 30-32 आ रहा है। प्राइस की बात करें जैसे मान के चलो भैया 10 लाख की आई है मशीन, मान लो भाई 10 लाख की मशीन आई है, तो आपने 10 लाख रुपए कितने दिन में पूरे कर लिए? मैं तो जितने की मशीन आया था 2 साल में मेरा पैसा पूरा हो गया। अच्छा अभी सीजन तो फ्री चला रहे हो आप? जे मैं सोचूं तो मेरा पहले साल ही पूरा हो गया, पहले साल ऐसे हो गया भी मेरा 4-5 क्विंटल झाड़ बच गया, 1 किले का 8-9 हज़ार रुपया मेरे को बच गया, जे मेरे को मान लो 100 किला है तो 8 लाख हो गया। तो मशीन तो मेरे पहले साल ही फ्री थी, पर मैं वो नहीं सोचता, वो तो चलो मेरा झाड़ बदा, मैं तो ये सोचता जिन्नी मैं इससे लवाई किया तो मेरा 2 साल में फ्री हो गया। तो 3.5 लीटर तेल में 1 किला लगा देते, 3.5 एक एवरेज ही लगा लो भाई, 3.5 से ऊपर जाएगी मतलब 3.5 की एवरेज आ जाती है। ये भाई 77-44-91-111-9 और दूसरा नंबर है 88-88-2000-22, ये 2 नंबर हैं भाई टोल फ्री नंबर, आप इन पर कॉल करके इसके बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी देखते हैं अभी मन बना रहा है, क्या पता एक और आ जाए। अच्छा आप एक और खरीदने की सोच रहे हो, तो आपने जैसे भाई कौन जैसे आपने देखी हो कंपनियों कौन सी ठीक लगी अभी तक आपके? देखो जी पैसे के मूल्य में रेट में तो महिंद्रा ही बढ़िया है। नहीं पैसा तो ठीक है, पैसा भी है, सुविधाएँ कैसी हैं? बाकी सुविधा बहुत बढ़िया है, सर्विस बहुत बढ़िया है, 3 साल हो गए चलाऊँ जी, कोई दिक्कत ही नहीं है।
बात तो यह है भी जो दिक्कत हो फिर तो आप ना लीए जी। एक सबसे बड़ी बात यह है जी महिंद्रा की कंपनी इसके ऊपर ही फाइनेंस करती है। अच्छा महिंद्रा इसके ऊपर फाइनेंस करती है? ऊपर ही फाइनेंस करती है जी। जे किसी जिमीदार को दे इतना पैसा नहीं लगाने का थोड़ा मोटा दे के तो इसके ऊपर ही फाइनेंस हो जाता। आप मान लो आए लोन सुविधा भी है कुल मिला के, आप लोन सुविधा भी, आप ये भी सोचो भी आप लेबर को भी पैसा देना, वही लेबर का भी पैसा आप इसकी किस्त मोड़ दो। तो नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, एक बार अपना नाम इंट्रोडक्शन दो जी। सर जी मेरा नाम हरदीप सिंह है, विलेज बैसल कला, तहसील संगरौला, जिला लुधियाना। तो एक चीज़ बताओ सर, ये जैसे मशीन है ये आप कितने साल से यूज कर रहे हो? सर जी एक्ति मैंने इसका तीजा साल हो जाना, दो साल इन मैं लगातार चला रहा एक्ति हम जो मूहे पैडी लाने आप तीजे साल चलाने। अच्छा आप अभी जैसे दो साल तो आपने लगातार लगा लिया, तीसरे साल में आप लगा रहे हो? हाँ जी तीसरे। कोशिश करो आप हिंदी बोलने, क्योंकि जैसे बहुत सारे जमींदार भाई होगा ना पंजाबी, जैसे अपना पंजाब तक सीमित रह जाती है। तो जैसे अब आप जब आप लेके आए थे दो साल पहले आप मशीन लेके आए थे, तो इस मशीन में जैसे आप लेके आए तो आपके मन में थोड़ा बहुत डर होगा क्योंकि नई चीज थी। इतना डर था ना, मशीन तो हमने खरीद ली थी ना, हमारे को पनीरी बीजने आती थी। चलो महिंद्रा के बंदे ने आके पनीरी पनूरी बारे भी हमको दसा, पनीरी बीजने लगे तो ऐ लगता सी बीज तो दिया हम लगाएंगे कैसे। अच्छा लगाएंगे कैसे, तो मन में होता ही है पैसा भी लगा लिया तो पनीरी दुबी भी नहीं बीजी। तो चलो जी तो 5-7 किले में लगाते लगाते इसको बढ़िया चलाने लगे हमारे बंदे। मतलब लगाने के बाद ये भी रहा पैदावार कैसी होगी? हाँ पैदावार का भी बहुत इशू था भी कैसे होगी। हाँ, जब हमने हौली हौली लगाने लगे तो पैदावार लाने लगी। एक बार तो ऐसे लगा भी झोना लगा दिया तो थोड़ा गया झोना, पनीरी सुख के तुरदी है जी। अच्छा पनीरी जिम्मे 2-4 दिन लेट तुरती है, ऐ लगता सी भी झोना तो सुक गया भी क्या करेंगे। बाद में इतना होया बूझा भी इतना होया, बात ही छोड़ दो भाई, मैंने ये सोचा भी इतना झोना भी दिखने में तो लग नहीं रहा था भी इतना कैसे हो गया। अच्छा उसके बाद देखते देखते झोना बढ़िया अच्छा हुआ। सबसे बात है भी जब झोना इसे लगा देते हैं ना लाइनों में झोना सीधा होता है। हाँ हाँ लाइन तो लाइन पनीरी झोने में स्प्रे करना रेव पाना बहुत सौखा लगेगा। अच्छा मतलब एक तो जैसे आप बता रहे हो भाई एक बिल्कुल सीधी लाइन में होएगा। हाँ और अपना जैसे पौधे से पौधे की दूरी भी, पौधे की दूरी इसमें सेटिंग आती है। अच्छा जितनी दूर लगाना उतनी दूर लगा लो। ठीक ठीक। और फिर दूसरी बात जैसे बाद में जैसे स्प्रे करना है। हाँ, या खाद डालना है तो बिल्कुल आराम से हो जाता है। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं जैसे मशीन से द्वारा अपने जैसे अपने धान लगाए हैं और साथ में जैसे लेबर द्वारा लगाते हो, तो मशीन के और लेबर के कॉस्ट में जैसे पैसों में कितना फर्क पड़ जाता है, बचत आती है या खर्चा ज्यादा होता है? तो इसमें बहुत आती है जी। देखो हूँ मेरा 1000 रुपया लवाई ते तेल का बिची मैं जो लेबर को देता हूँ 1000 रुपया एकड़ पड़ता है। अच्छा 1000 रुपये में एक एकड़ में ये लगा देती है? मेरा 1 किला लग जाता है। ठीक ठीक। जे मैं उधर जाऊँ दुए पासे तो 4000 रुपया 1 किले का लेबर लेती है। अच्छा लेबर लेते लगाने का। तो फिर जो मैं मेरे को मक्की है। हाँ हाँ। तो खेत थोड़े रेतले भी है उसमें जो लेबर लगाती है वो झोना जब लगाती है ना लेबर का बूझा वो उखड़ जाता है। अच्छा बहुत दूरी दूरी हो जाता है। लेबर 5-4 किलो बीज लगाती है पर केले में, इसके नाल बीज लगता है 7-8 किलो एक एकड़ में। लगभग डबल हो गया। डबल हो गया तो उससे झाड़ 2-3 क्विंटल झाड़ भी बढ़ता है। अच्छा मतलब जैसे इस मशीन से जो मेरी समझ में आया है। हाँ मशीन से लगाने से आपको जैसे पर एकड़ 1000 रुपये खर्चा आ गया। हाँ जी। वो लेबर लेती है 4000 रुपये, 3000 रुपये तो आपको यहाँ बच गया। तो हाँ बच गया। फिर दूसरी बात लेबर के पीछे भागना पड़ता है। हाँ जी। वो चाय पानी वाला खर्चा तो बचा ही हुआ, सारा बच गया, टेंशन ही नहीं है जी। हाँ ऐसे मान लो आज कद्दू किया तो कल को लग जाना है, 5-6 किला रोज कद्दू होता है तो रोज दी रोज नाल दी नाल हम लगाई जाते हैं। कुल मिला के जैसे बंदे जो डरे हुए हैं जैसे जो लेने की सोच रहे हैं तो उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो जी ये तो आने वाले टाइम में सब बंदे को ही लेनी पड़ेगी, जो ले लिया उसको तो पता ही है भी लेके चला रहा है, कोई ये बंदा तो नहीं भी जिन्हें लिया उसकी साइड में खड़ी है। बिल्कुल। देखो जे है मैं हूँ भी पनीरी बीज रहा हूँ, पनीरी बीजी भी हुई है, मैं 1 किला लेबर से नहीं लगाऊंगा, मैं जो भी लगाऊंगा तो मशीन से लगाऊंगा क्योंकि बचत इसी में है। बचत इसी में है तो बाकी लगाना बहुत सौखा है। तो झोना जैसे हम मक्की के टांडे होते हैं उसमें लेबर को भी हाथ नौ टूट जाते हैं। हाँ हाँ। इसका कोई वो नहीं है, लगाई बहुत बढ़िया करती है। अच्छा मतलब कुल मिला गया जैसे मशीन है बड़ी अच्छी मशीन है, बहुत अच्छी है। टूट फूट आई, कोई मेंटेनेंस आई अभी इसके अंदर? देखो सर पिछले साल पहले साल कुछ नहीं होया, दूसरे साल इसकी सर्विस होया, माड़ा मोटा फिंगरा बदलियां, जो माड़ा मोटा सामान था वो बदल गई। देखो छोटी मोटी घिसाई के पाए वो छोटे मोटे मशीन खेत में चलेगी उसकी घिसाई तो होगी, बिल्कुल होगी। कोई बट्टा आ गया तो माड़ा मोटा टूट गया तो वो जल्दी बदल जाते हैं, फिंगर है फिंगर बदल ले दिया। बाकी सर्विस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस महिंद्रा की जो भी है बहुत महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट वाला। हाँ बहुत ज्यादा सर्विस छेती है।
अच्छा सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। और जैसे आप बता रहे पहले साल तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, पहले साल हमारे कुछ नहीं हुआ, पहले साल तो महिंद्रा वाले मेरे को आ भी बहुत रहे थे क्योंकि मेरे को समझा रहे थे ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। दूसरे साल तो मेरे को इतनी लोड भी नहीं पाया, जे एक बार दो बार लोड पाया माड़ा मोटा तो आके लोड कर जाते। आप जैसे आप अपना नंबर दे सकते हो किसी जमींदार भाई को जैसे खरीदनी है मशीन, क्योंकि वो जमींदार भाई है ना, जैसे अपना हम तो देखो वीडियो बनाने का मोटिव है हमारा ये है किसी किसान भाई का फायदा हो, कोई जमींदार भाई फंस ना जाए इस चीज को लेके। और जैसे बहुत सारी चीजें होती है वो पूछने की होती है, जमींदार के मन में क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीजें तो हम इसमें कवर नहीं भी कर पाते। जैसे मैं जो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ वही है और जमींदार के और भी होते, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर से बताओ सर क्या है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9821 44 247 44 247 44 277। एक बार दोबारा 9821 9721 44 277 44 277। हाँ जी ठीक ठीक, ये नंबर है जैसे 9 से 5 कॉल करना है, फैमिली सबके साथ है। हाँ जी। तो जैसे ये नंबर देने से ये फायदा हो जाए कोई जमींदार भाई लेना चाहे, तो आपने जैसे मार्केट लेने से पहले मार्केट में और भी मशीनों के बारे में पता हाँ किया होगा, तो हाँ ये आपने ये वाली मशीन क्यों खरीदी? हमने पहला मार्केट में गए जी, जो होर मशीन वो इससे थोड़ी बड़ी है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जो इससे छोटी है पीछे तुरने वाली है उसकी कॉस्ट कट है, पर पीछे तुर के लगेगा नहीं इतनी गर्मी में, गर्मी में भी फिर एक बंदा थक भी जाएगा, एक बंदा थक जाता है लेबर उसमें। मैं पहला वो मशीन ले लिया था, फिर मेरे लेबर वाले कहते हम तो नहीं चलाएंगे जी। अच्छा। तो फिर मैं छोड़ के, मेरे को ये मशीन मैं घूम के देखा, तो मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था भी महिंद्रा की मशीन आई है, मेरे डीलर से बात हुई तो मैं ये मशीन उससे खरीद लिया। पर मेरे को तो जितना बेनिफिट हुआ ये मशीन से, जो मेरा झाड़ पहला 25-26-27 क्वांटल निकलता था, पिछले साल 2 साल में 30 से 32 क्वांटल आ रहा है। तो 30 से 32 आ रहा है। बात करें जैसे कोई बंदा किराए के लिए इस मशीन को चलाना चाहे, बहुत बढ़िया है किराए के लिए। तो मेरे को भी लोग बहुत आते हैं भी हमारा बीज दो, कोई कहता 10 किलो का बीज दो, 20 किलो बीज दो, क्योंकि मेरे को 125-150 एकड़ आपका खुद का है। अच्छा। जो मैं खेती करता हूँ लीजते लिया हुआ ठेके पर है, तो मैं मक्की है, मक्की तो बाद मैं खुद आपकी झोना जे मैं बाहर किराए पर लगाऊंगा तो मेरा झोना लेट हो जाएगा। मतलब कुल मिला जैसे आपने अपना खुद का ही लगाया है 100 एकड़ के करीब? हाँ मैं 100 एकड़ खुद आपका ही झोना लगाऊंगा। तो उसमें जैसे आपकी ये कितने दिन में फ्री होगी मशीन? मेरा देखो जी, मेरा मक्की का काम है, मक्की मेरी हौली हौली बढ़ होती है, जिसमें 10 किलो 20 किलो बढ़ी जाते हैं उसमें हम लगाई जाते हैं, मेरे को 1 महीना लग जाता है लगाने में। नहीं नहीं, जैसे अभी प्राइस की बात करें, जैसे मान के चलो भैया 10 लाख की आई है मशीन, मान लो बस 10 लाख की मशीन आई है, तो आपने 10 लाख रुपए कितने दिन में पूरे कर लिए? मैं तो जितने की मशीन आया था 2 साल में मेरा पैसा पूरा हो गया। अच्छा अभी सीजन फ्री चला रहे हो आप? जी मैं सोचू तो मेरा पहले साल ही पूरा हो गया, पहले साल ऐसे हो गया अभी मेरा 4-5 क्विंटल झाड़ बच गया, 1 किले का 8-9 हज़ार रुपया मेरे को बच गया। जे मेरे को मान लो 100 किलो है तो 8 लाख हो गया। तो मशीन तो मेरे पहले साल ही फ्री थी, पर मैं वो नहीं सोचता, वो तो चलो मेरा झाड़ बचा, मैं तो ये सोचता जिन्नी मैं इससे लवाई किया तो मेरा 2 साल में फ्री हो गया। लेबर के हिसाब से भी जैसे लेबर कॉस्टिंग में भी 2 साल में फ्री हो गया? 2 साल में फ्री। ठीक है, मतलब कुल मिला के फायदे का सौदा है? देखो जी बहुत ज़्यादा फायदे का है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा। तो इस मशीन की खास बातें बताओ थोड़ा सा, एक बार आप नीचे आ जाओ एक बार थोड़ी इसकी मशीन के बारे में, जैसे भाई कितनी रो ये लगाती है, कैसे क्या काम करती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्योंकि जमींदार भाई को जानकारी हो भाई। देखो ये, जी ये 4 लेके जाती है। अच्छा 4 रो में ये काम कर, जैसे हाँ, 4 ट्रे इसमें लग जाती है? 4 ट्रे इसमें पनीरी रखी जाती है। हाँ, हाँ, तो 4 ठीक लगाती जाती है, 4 ट्रे लगाती जाती है। जो इसकी जो खास बातें हैं वो बताओ, जैसे भाई पौधे से पौधे की दूरी जितनी मर्जी नेड़े दूरी कर लेंगे। अच्छा भाई 2 इंच 6 इंच 8 इंच ठीक ठीक जो भी मर्जी कर लो। हाँ, इसमें सारे मशीन में है ना जैसे लीवर दे रखे हैं, लीवर लगे हुए हैं, ए लीवर हैं वो थले को, ए लीवर है, ए रोटावेटर है, जे कहते ऊंची नीवी जमीन है तो रोटावेटर चला लो। अच्छा ये रोटावेटर सारे साथ चलता रहता है? हाँ, जैसे ऊंची नीचे मिट्टी है तो ये प्लेन करता हुआ चलता है। इसके साथ जिमें आप दूर नेड़े करनी है 2 बुझा लगाना, मतलब कि जैसे हम बात करें भाई पौधे से पौधे की दूरी सेट कर सकते हैं, जितनी दूरी मर्जी गहराई सेट कर सकते हैं भाई, जैसे आपने कितना कितनी मशीन कितनी लगा धान की पौध लगानी, पनीरी का 1 बूटा लगाना, 2 बूटा लगाना, 10 बूटा लगाना, 5 बूटा लगाना। अच्छा 1 से 10 तक ही उठा लेते पौधे? ये भी बड़ी अच्छी चीज है, अगर किसी बंदे को ना थोड़ा लालच आ जाए ज्यादा लगानी है तो वो भी अपने इसमें काम कर सकता है। सबसे बात है इसमें जब पनीरी डाल दिया तो इसके ऊपर भी
भी पनीरी रखा जाता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पनीरी लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें रख के जिसमें उधर जाके मुक गया उधर से वापस आना। इसमें एक चीज बताओ, इसका डीजल पेट्रोल इंजन में पेट्रोल खर्चा क्या है इसका एक एकड़ के हिसाब से? वैसे तो खेत के हिसाब है, जो थोड़ा जहा कद्दू पोला होता है उसमें 3 से 3.5 4 लीटर तक भी खा जाती है। अच्छा, 3 से 3.5 4 चार नहीं जाती? पर नहीं, चार नहीं खाती, 3 से 3.5 लीटर खाती है। चलो कितने एक अद्धा गेड़ा बढ़ गया तो माड़ा मोटा तेल का। देखो वो तो हमारे आदमी ऑपरेटर की गलती मानी जाए। हाँ जी, हाँ जी। मशीन ने तो अपना देखो काम कर ही दिया। वैसे तो 3.5 लीटर तेल में एक एकड़ किला लगा देते हैं। 3.5 एक एवरेज ही लगा लो भाई। 3.5 से ऊपर जाएगी, मतलब 3.5 की एवरेज आ जाती है। ठीक, 3.5 यानी 350 रुपये में आपका लगाई होगी। हाँ, मशीन का खर्चा होगा। हाँ, और टूट फूट जैसे आप बता रहे हो अभी तक कोई आई नहीं, फोर व्हील ड्राइव होगी ये मशीन? हाँ, फोर व्हील ड्राइव है ये। अच्छा, फोर व्हील ड्राइव के साथ में काम करती है मशीन। ये नेड़े मोड़ना भी पड़ता है। हाँ, हाँ। इसको ऐसे कटो, आ इसके लगा हुआ है, ये बाहर निकल जाता है। अच्छा, डिफरेंशियल लॉक है? डिफरेंशियल लॉक है, तो जब मोड़ेंगे तो बाहर, ये बाई चांस है खुब गया खेत में, इसको फिर दबा दो तो निकल जाएगी। ठीक है, वो डिफरेंशियल लॉक का काम है जैसे ट्रैक्टर में होता है डिफरेंशियल लॉक में जमींदार भाई। इसमें और बहुत बड़ी खूबी है जी। हाँ जी बताओ। जैसे हम बट टपाना है, हाँ बट टप नहीं रही, हम उत्ते बैठे हैं, इसको हमने यहाँ से लॉक किया। चढ़ गए उसके बाद इसको छोड़ दो, खड़ गई ऊपर जाके फिर चढ़ गए। नहीं देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं, सेफ्टी का भी बड़ी अच्छी चीज है। जैसे आपने स्टेरिंग सीधा किया और यहाँ से लॉक कर दिया, स्टेरिंग लॉक ये यहाँ पे दिया कंपनी ने। उसके बाद जैसे क्या मशीन जब डोल बचड़ दे कई बार थोड़ी टेढ़ी है, मेडी स्लिप हो जाए, सो चीजें होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो बंदा इसके नीचे ना दबे, सेफ्टी को लेकर ध्यान में रखे, इसको दबो आराम से चलेगी, चलेगा। ठीक ठीक। अच्छा, ये इसमें चाल दे दी यहाँ से, ये गियर लीवर हो गया अपना। हाँ जी, ये इसमें 5 गियर मुड़े को है, 4 पीछे के, 4 को पीछे को। अच्छा, 5 गियर आगे के, ऐसे जैसी स्पीड लेना चाहे हम वैसी स्पीड ले सकते हैं। ये 4 गियर पीछे के दे दिया अपने इसके। ठीक ठीक। अच्छा, ये क्या चीज़ है, एडजस्टेबल किस चीज़ की एडजस्टिंग है ये यहाँ से? यह पौधे की, जिसमें पौधा लगाना है, पौधे से पौधे की दूरी में करना है, तो इसको अच्छा अच्छा यहाँ से जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे की जो कितनी दूरी पर वो पौधा लगाना है? अच्छा, 4 सेटिंग है, उसके हिसाब से अपने काम के हिसाब से लगा। हाँ जी, काम के हिसाब से, जैसे भी पौधा नेड़े दूर लगाना। ठीक, वो लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो और जैसे उधर भी 2-3 लीवर हैं, वो भी देखते हैं अपना। इसका ये रहे, किस चीज़ का ये, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये जो लीवर है जी, एक एक इधर लॉक है। अच्छा, ये लॉक दे रखा है? ये लॉक है, जैसे आप थले नीमा ऊंचा करना, ये लॉक खोल देना, इसने थले आ जाना, इसने सारा चलने लग जाना है। जे आप नहीं चलाना तो इसको यहाँ लॉक कर दो, इसको इधर कर दो। अच्छा, जो मेरी समझ में आया है, जैसे भाई ये क्या है मशीन, ये लीवर है, इसको ऊपर नीचे उठाने के लिए। हाँ जी, हाँ। बेसिकली जब आपने फसल लगानी तो नीचे करोगे। हाँ जी। और फसल नहीं लगानी तो ऊपर करोगे। हाँ जी, हाँ जी। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे भाई अभी खड़ी करी है तो उस टाइम पे भी नीचे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो ये लॉक दे रखा ना, ये लॉक यही दे रखा जो आपने बताया भाई, ऐसे जैसे लॉक लगा दिया तो हम इसको नीचे करेंगे, नीचे तो हो जाएगी ये। नीचे तो हो जाएगी, लेकिन ये है ना, जो रोलर वगैरह, जो इसकी मशीन गन वगैरह, वो घूमेंगी नहीं। हाँ जी, उसका हाँ कारण ये दिया है। हाँ, क्योंकि कई बार जैसे पक्के में खड़ी है तो ये बीट लगकर जमीन में लगकर टूट जाएंगी, टूट ना जावे, थले ना बजे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अगर आपने चलानी है साथ के साथ में, तो इसको हम लॉक को उधर कर देंगे, जब जैसे नीचे करेंगे ना, तो साथ के साथ ये पूरी चलने लग जाएगी खेत में। और ऊपर उठाने के लिए सिंपल ऊपर उठेगी, मतलब कि जैसे रूटर है जो इसका, वो बंद हो जाएगा, लॉक लॉक हो जाएगा इसका। ये किस चीज का है ये वाला? ऐसे है जी, जिमें भी कोई खेत बहुत ज्यादा पोला होता है, कोई कैड़ा खेत होता है। हाँ हाँ। जिमें आप लिफ्ट ट्रैक्टर दी बन के चलाने हैं। हाँ हाँ। भी कितने कैड़ा आ गया। अच्छा, सेंसिंग कह सकते हैं इसको। इसको थले ऊंचा करने से ये डूंगा भी चले जाती है, तो ऊंचा रखना तो ऊंचा रखो। अच्छा, ये मिट्टी के हिसाब से जैसे लिखा हुआ है, अब समझ में आई, सॉफ्ट है, हार्ड है, कंडीशनल फील्ड है, जैसी फील्ड उसके हिसाब से इसकी सेंसिंग सेट करके। और ये अपने आपको बिल्कुल एकदम एक समान गहराई, जो बात आ गई ना भाई, एक समान गहराई में जुताई करना। अच्छा, ये यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मिट्टी के अनुसार। ये इसमें 3-4 प्रकार के, ए 4-5 प्रकार के इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये लीवर किस चीज़ के लिए है? ऐसे है जी, इसको है ना, रूटावेटर पल्डर लग गया हुआ है। अच्छा, रूटर पल्डर। हाँ जी, आ देखो, आ है जी। अच्छा, जिमें
ਖਾਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਛੋਟਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂ ਤੋ ਜੈਸੇ ਇਹ ਇਸਕੋ ਨੀਚੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਵਰ ਕੋ ਜੈਸੇ ਨੀਚੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਇਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਚਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੈਸੇ ਡੈਪਥ ਜੋ ਲਿਖਾ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਚਾਣਾ ਸਲੋ ਚਲਣਾ ਸਲੋ ਚਲਤਾ ਕਿਤਨੀ ਹਾਈ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਸਲੋ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵੱਧ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਤੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੋੜਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਮ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਪਡਲਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਤੋ ਉਸਮੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੋ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਇਹ ਪੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਸੇ ਨਾ ਪੌਦਾ ਕੀ ਜੈਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗ ਸਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਇਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਟੋਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਦਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਖੇਤ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਛੋਟੀ ਫਾਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਜੋ ਦੀਏ ਹੈ ਦੋ ਰੋਗੋ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਚਲਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋ ਜੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਉਸਮੇ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਚਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੋ ਆਪਣਾ ਜੈਸੇ ਅਬ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੀਵਰ ਉਨ ਕਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਬਤਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਇਨ ਲੀਵਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਓ ਜੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 1 ਸੇ 10 ਪੌਦਾ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੈਸੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਪੌਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣੇ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਉਠਾਣਾ 2 ਉਠਾਣਾ 4 ਉਠਾਣਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਸਕੋ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸ ਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨੂੰ ਉਠਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਔਰ ਇਹ ਲੀਵਰ ਇਹ ਲੀਵਰ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾ ਲਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਨੀਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੰਗਾਈ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਗਹਿਰਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸਮੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ 1 ਇੰਚ 2 ਇੰਚ 3 ਇੰਚ 4 ਇੰਚ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਇੰਚ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆ ਗੱਬੇ ਮਾਰਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਧਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਮਾਰਕਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਮਾਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਟ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਫਾਂਟ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੱਦੂ ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੋ अच्छा जो मेरी समझ में आया है भाई जैसे ये दिए मार्कर हाँ जी भाई जैसे आप इसको ओपन कर लो साइड में इसको भी ओपन कर लो हाँ और जो पीछे लगे उसको भी ओपन कर लो हाँ ताकि जब मशीन जैसे चार रो मशीन चल रही है हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जब हम मशीन को घुमा के दोबारा लगाते हैं हाँ दूसरी लाइन में तो पौधे से पौधे की हाँ पौधे बिच नहीं जाएगी ना कोई गैप नहीं रहेगा बिल्कुल पूरा खेत एकदम एक समान जुताई नहीं लगा तो मशीन घूमी जाती है महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट वालों ने जो ये मशीन जैसे निकाली अपनी तो काफी इनका कोई टोल फ्री नंबर है आपके पास हाँ जी है जी हमारे पास जैसे कोई बंदा कॉल वगैरह करना चाहे जैसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करना चाहे क्योंकि अब तो 2023 हो गया अब तो बहुत कुछ नया आ गया होगा बहुत बदल दिया होगा जी देखो ये तो आई हुई है 20 की आई हुई है हाँ 2020 का मॉडल हाँ, 3 साल हो गए 3 साल में तो बहुत कुछ बदला जाता है बस इनों में इसका टोल फ्री नंबर है 77 44 77 मेरे को दिखाओ एक बार क्या ये है भाई 77 44 91 111 9 और दूसरा नंबर है 88 88 2000 पूरा और 22 ये दो नंबर है भाई टोल फ्री नंबर आप इन पर कॉल करके इसके बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बाकी मैं इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये आप मेरे को शेयर करना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं किसी ज़मींदार भाई को रिक्वायरमेंट उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो आराम से ले सकता है तो चलो जी धन्यवाद आपका बढ़िया आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई क्योंकि जमींदारों के लिए भाई बड़ी अच्छी काम की चीज़ है आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया है जी बहुत बढ़िया भविष्य में जैसे ये मशीनें ही यूज़ होनी है लेबर तो ख़त्म होती जा रही है दिन पे दिन फिर दूसरी बात महंगी बहुत ज़्यादा होगी लेबर मैं तो एक और खरीदने की मन भी बना रहा था अच्छा किराए पर चलाने के लिए अच्छा फिर मैं क्या चलो एक ही बहुत है बाकी देखते हैं अभी मन बना रहा है क्या पता एक और आ जाए अच्छा आप एक और खरीदने की सोच रहे हो तो आपने जैसे कौन जैसे आपने देखी हो कंपनियों कौन सी ठीक लगी अभी तक आपके जी पैसे के मूल्य में रेट में तो महिंद्रा ही बढ़िया है नहीं पैसा तो ठीक है पैसा भी है सुविधाएं कैसी हैं बाकी सुविधा बहुत बढ़िया है सर्विस बहुत बढ़िया है हम 3 साल हो गए चलाते हैं जी कोई दिक्कत ही नहीं है बात तो यह है जो दिक्कत हो फिर तो आप ना लीए जी
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, पैसे को लेकर भी और सर्विस को लेकर अगर आप खुश हो तो इससे बढ़िया। एक सबसे बड़ी बात यह है जी, महिंद्रा की कंपनी में इसके ऊपर ही फाइनेंस करती है। अच्छा, महिंद्रा इसके ऊपर फाइनेंस करती है? ऊपर ही फाइनेंस करती है जी। जे किसी जिमीदार को दे इतना पैसा नहीं लगाने का, थोड़ा मोटा दे के इसके ऊपर ही फाइनेंस हो जाता। आप मान लो आए लोन सुविधा भी है कुल मिला के, आप लोन सुविधा भी, आप ये भी सोचो भी आप लेबर को भी पैसा देना, वही लेबर का भी पैसा आप इसकी किस्त मोड़ दो। ठीक ठीक ठीक, चलो जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ये, बाकी आपका नंबर वीडियो में डाल ही दिया है, बाकी किसी भाई को जरूरत है तो आपसे कॉल करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। ये था भाई, जैसी वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।